मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सुपर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 10.4। इससे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवा चुकी हूँ पहले से, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लीटर और मिलीलीटर, सेंटीलीटर, इनके बारे में जानेंगे। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हुए? 1000। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 200 मिलीलीटर जूस आर रिक्वायर्ड टू फिल अ जग ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर। अब 1 लीटर में बेटा 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी ऑफ जग, टोटल कैपेसिटी ऑफ जग, जग की टोटल कैपेसिटी कितनी है बेटा? 1 लीटर। और एक ग्लास कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल टू 200 मिलीलीटर। अब कैपेसिटी, सॉरी, नंबर ऑफ ग्लास, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस रिक्वायर्ड टू फिल आज जग, आप क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाय 200, इट मीन 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, इट मीन्स 5 ग्लासेस, इट मीन्स 5 ग्लासेस ऑफ जूस आर रिक्वायर्ड टू फिल 1000 लीटर ऑफ जग। एक जग को फिल करने के लिए हमें 200 मिलीलीटर के कितने ग्लासेस चाहिए बेटा? 5 ग्लासेस हमें चाहिए जो हमारी जग की कैपेसिटी को फिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति मेड मिक्स फ्रूट जूस यूजिंग 250 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस। उसने ऑरेंज जूस कितना लिया बेटा? 250 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर मैंगो जूस एंड 50 मिलीलीटर मिनरल वाटर एंड 10 मिलीलीटर लेमन जूस। अब आपसे लास्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस शी मेड। अब आपसे पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस शी मेड, उसने टोटल कितनी क्वांटिटी का जूस बनाया है। अब उसके लिए आप पहले क्या करोगे? क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस कितनी है बेटा? 250 मिलीलीटर। हम सबको क्या कर देंगे? एंड क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्यादा हमारी कैपेसिटी किसकी है, बकेट की। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, हमें इस बकेट की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, सो कैपेसिटी ऑफ मग, कैपेसिटी ऑफ मग इक्वल टू 200 मिलीलीटर। ओके, कैपेसिटी ऑफ बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट कितनी है, कैपेसिटी ऑफ बकेट 4 टाइम्स अ मग, इट मींस 200 मल्टीप्लाई 4, 4 टू जाए 800 मिलीलीटर। मग की, सॉरी बकेट की कैपेसिटी कितनी हो गई बेटा, 800 मिलीलीटर। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, पिछले क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको। फिर भी अगर इस एक्सरसाइज में आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन क्लास में जरूर पूछना, और अपने डाउट्स को रेडी रखा करो ऑनलाइन क्लास के लिए। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके पास डाउट्स नहीं आते, फिर आप कहते हो मैम सब कुछ आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास के लिए अपने डाउट्स को रेडी रखना, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछना। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।